हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिविल इंजीनियर कैसे बने और इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप सिविल इंजीनियर कैसे बने, सिविल इंजीनियर बनने के लिए क्या करें, इसे संबंधित पूरी जानकारी पाएंगे। जैसे कि इसमें आप सिविल इंजीनियर क्या है, सिविल इंजीनियर कैसे बने, इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं, कोर्सेज कौन कौन से करने होते हैं, सिविल इंजीनियरिंग में कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, सिविल इंजीनियर बनने के लिए स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए, इनकी सैलरी कितनी होती है, इससे जुड़ी तमाम जानकारी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप भी सिविल इंजीनियर बनने के बारे में सोच रहे हैं या सिविल इंजीनियर बनकर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अधिकांश स्टूडेंट अपने लाइफ में अच्छी पढ़ाई के साथ डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं और एक अच्छी नौकरी पाने का सपना देखते हैं। हालांकि सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने का जुनून भी होना चाहिए। और दोस्तों, आपको बता दें कि ये दौर कंपटीशन का दौर है। ऐसी स्थिति में अधिकांश युवा बड़े अधिकारी या इंजीनियर या डॉक्टर या वकील बनना चाहते हैं। हर किसी के सपने अपनी रुचि के अनुसार अलग अलग होते हैं और अपनी रुचि के अनुसार वे उस क्षेत्र का चयन करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने इंटरेस्ट के अनुसार सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं और सिविल इंजीनियरिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी है ताकि आप सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स आसानी से कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सिविल इंजीनियर क्या है, सिविल इंजीनियर कैसे बने, इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, इससे संबंधित पूरी जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो में डिटेल से देते हैं। दोस्तों, सिविल इंजीनियर की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स एक प्रोफेशनल कोर्स होता है। यदि आप इस कोर्स को कर लेते हैं तो आप सिविल इंजीनियर के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों, सिविल इंजीनियर के काम बहुत ही जिम्मेदारी भरा और महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए इन्हें अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा करना होता है। जैसे कि कंस्ट्रक्शन प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रोड्स, बिल्डिंग, डैम्स इत्यादि। दोस्तों, आपको बता दें कि इन कार्यों में सिविल इंजीनियर ही तय करता है कि किस मटेरियल का यूज़ किस काम में किया जाना है, ताकि कोई भी इमारत हो या पुल, सड़क हो या बांध जो लंबे समय तक टिका रहे। यदि कोई व्यक्ति इन कार्यों को जिम्मेदारी के साथ पूरा करता है तो उसे सिविल इंजीनियर कहा जाता है। तो आइए आगे हम जानते हैं कि सिविल इंजीनियर बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। दोस्तों, जूनियर सिविल इंजीनियर बनने के लिए आपको डिप्लोमा कोर्स करना होता है। यदि आप डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं तो आप 10वीं कक्षा पास करने के बाद डिप्लोमा कर सकते हैं। इसके लिए आपको 10वीं कक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स यानी कि PCM सब्जेक्ट के साथ आपको अच्छे मार्क्स के साथ 10वीं कक्षा पास करनी होती है और ये डिप्लोमा कोर्स 3 सालों का होता है। दोस्तों, सीनियर सिविल इंजीनियर बनने के लिए आपको 12वीं कक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स यानी कि PCM सब्जेक्ट के साथ आपको अच्छे मार्क्स के साथ 12वीं कक्षा पास करनी होती है, और आपको 12वीं कक्षा पास करने के बाद सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में BE या BTEC कोर्स करना जरूरी होता है, जो 4 सालों का कोर्स होता है। दोस्तों, बात करें आप सिविल इंजीनियर बनने के लिए कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं, तो दोस्तों आप सिविल इंजीनियर बनने के लिए BTEC इन सिविल इंजीनियरिंग कोर्स कर सकते हैं, BE इन सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, MTEC इन सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, या फिर आप डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप 2 तरीकों से सिविल इंजीनियर बन सकते हैं। पहला तरीका तो यह है कि आप डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, जिसे हम जूनियर सिविल इंजीनियरिंग कहते हैं, और ये 10वीं कक्षा पास करने के बाद किया जा सकता है, जो कि 3 सालों का एक कोर्स होता है। और दूसरा तरीका यह है कि आप सीनियर सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, जो कि 12वीं कक्षा पास करने के बाद किया जा सकता है, जो कि 4 सालों का एक कोर्स होता है। दोस्तों, या आप इन दोनों तरीकों में से किसी भी तरीके से आप सिविल इंजीनियर बन सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि सिविल इंजीनियर कैसे बने। दोस्तों, इसके लिए पहले आप 12वीं कक्षा पास करें। दोस्तों, यदि आप सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन लेने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स यानी कि PCM सब्जेक्ट के साथ कम से कम 60% मार्क्स के साथ आपको 12वीं कक्षा पास करनी होगी, तभी आप इंजीनियरिंग कोर्स के लिए आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे पाएंगे।
यदि आप 10वीं कक्षा के बाद सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप पॉलिटेक्निक में एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर आप ये कोर्स कर सकते हैं, जो कि 3 सालों का कोर्स होता है, जिसके बाद आप डिप्लोमा में जूनियर सिविल इंजीनियर कहलाएंगे। दोस्तों, यदि आप 12वीं कक्षा पास कर लेते हैं तो आपको बीटेक के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म भरना होता है, जो कि ऑल इंडिया लेवल पर IIT, AIEEE जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम आयोजित की जाती हैं, जो कि काफ़ी टफ होती हैं। यदि आप इन एग्ज़ाम को पास करना चाहते हैं तो आपको कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत होती है। साथ ही जो कैंडिडेट बुद्धिमान और प्रतिभाशाली होते हैं, वो ही इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको डोनेशन देना होगा, जो आपके लिए काफ़ी महंगा साबित हो सकता है। यदि आप एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास एक ही आपके पास ऑप्शन होता है, वो है आपको एग्ज़ाम पास करना। दोस्तों, एंट्रेंस एग्ज़ाम पूरी हो जाने के बाद काउंसलिंग की जाती है और अच्छे रैंक के आधार पर कैंडिडेट को अच्छे कॉलेज दिए जाते हैं। यदि आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने होंगे, तभी आपको आपकी रैंक के आधार पर अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। दोस्तों, यदि आप सिविल इंजीनियर बनने के लिए किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको 4 सालों तक सिविल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाया जाता है, जिसमें आपको घर के नक्शे डिज़ाइन कैसे करें इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। साथ ही आपको सिविल इंजीनियरिंग में बारीकी से महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में महत्वपूर्ण बातों को बताया जाता है, जिसे आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है। यदि आप अच्छे मार्क्स के साथ आप कॉलेज पास कर लेते हैं तो आप आसानी से सिविल इंजीनियर बन सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप सिविल इंजीनियर की डिग्री प्राप्त करते हैं, आपको इंटर्नशिप पूरी करनी होती है ताकि आप एक एक्सपीरियंस्ड सिविल इंजीनियर बन सकें। यदि आप किसी बड़ी कंपनी में सिविल इंजीनियर की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो विशेष रूप से एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाता है, इसीलिए अधिक वर्क एक्सपीरियंस प्राप्त करने के लिए इंटर्नशिप करना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, यदि आप एक सर्टिफाइड सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो लाइसेंस के लिए कुछ सालों का वर्क एक्सपीरियंस प्राप्त करना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आपके पास कुछ सालों का वर्क एक्सपीरियंस है तो आप सिविल इंजीनियर के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप लाइसेंस प्राप्त करने के बाद अपने काम का अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो आप एक बेहतरीन सिविल इंजीनियर बन जाते हैं, जिसके बाद आप अच्छी सैलरी के साथ अपना अच्छा कैरियर बना सकते हैं। दोस्तों, यदि आप सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको बता दें कि आप सिविल इंजीनियरिंग में कई क्षेत्रों में आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, जिन्हें आप अपनी इंटरेस्ट के अनुसार सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट हैं अर्बन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, मटेरियल इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, फॉरेंसिक इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग, कोस्टल इंजीनियरिंग, आउटडोर प्लांट इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को सिविल इंजीनियरिंग कोर्स के लिए देश भर के टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं इसके बारे में आपको बता देता हूं। दोस्तों, ये कॉलेजेस हैं IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, लवली प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट पंजाब, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंसेज बेंगलुरु, RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बेंगलुरु, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी VIT, जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली और दिल्ली टेक्निकल इंस्टीट्यूट। दोस्तों, ये कुछ देश भर के टॉप कॉलेजेस हैं जहां से आप सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स करके आप एक बेहतरीन भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें आप सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स करके आप किन किन पदों पर जॉब पा सकते हैं, तो दोस्तों आप सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स करके सिविल इंजीनियर बन सकते हैं, प्लानिंग इंजीनियर बन सकते हैं, साइट और प्रोजेक्ट इंजीनियर बन सकते हैं, कंस्ट्रक्शन प्लांट इंजीनियर बन सकते हैं, सुपरवाइज़र बन सकते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर बन सकते हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन सकते हैं, या फिर आप टेक्नीशियन भी बन सकते हैं। दोस्तों, यदि आप एक सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप में क्वालिफिकेशन के साथ साथ कुछ ज़रूरी क्वालिटीज़ यानी कि गुणों का होना ज़रूरी है, जैसे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपकी प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी थिंकिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए, आपकी टीम वर्क अच्छी होनी चाहिए, आपको बिल्डिंग और सुरक्षा के उपायों के बारे में आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए, आपको ड्राइंग बनाना आना चाहिए, आपको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ तालमेल बिठाकर चलना आना चाहिए, आपकी क्रिएटिविटी अच्छी होनी चाहिए यानी कि आप एक क्रिएटिव इंसान होने चाहिए,
आप में पेशेंस होना चाहिए, आप एक रिस्पॉन्सिबल इंसान होने चाहिए, आपकी आप प्रैक्टिकल इंसान होने चाहिए, आप शार्प माइंडेड होने चाहिए और आपको चुनौतियों का सामना अच्छे से करना आना चाहिए, तभी आप एक अच्छे सिविल इंजीनियर बन सकते हैं। दोस्तों यदि हम एक सिविल इंजीनियर की सैलरी की बात करें तो इनकी सैलरी इनके एक्सपीरियंस के अनुसार अलग अलग होती है। यदि हम एक 5 साल से कम एक्सपीरियंस वाले सिविल इंजीनियर की सैलरी की बात करें तो इनकी सालाना सैलरी कब लगभग 3 लाख रुपए के आसपास होती है। इसके अलावा अगर हम 20 सालों से अधिक वर्क एक्सपीरियंस वाले सिविल इंजीनियर की सैलरी की बात करें तो ये आसानी से सालाना 10 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि सिविल इंजीनियर कैसे बने और इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में डिटेल से बताया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।